शनाथ विद्या, मैं 5 साल की हूँ। आज हम बनाने वाले चटपटा पैनकेक, ब्रेड पैनकेक। तो देखते चटपटा ब्रेड पैनकेक कैसे बनता है। पैडम रेगी ब्रेड ब्रेड का पुका ब्रेड का बुक। अगर जो आपके पास भी ये पड़ा बाउल हो तो आप भी इसे जरूर लेना। अब हम डालेंगे थोड़ा ये और डालेंगे सूजी। इस सूजी को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया। अब हम लेंगे कैरेट। कैरेट लेने के बाद हम लेंगे फ्रेश कोकोनट। लेंगे हम थोड़ा धनिया और हम उससे साथ में मिलकर मिक्स करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑयल नहीं लेने का क्योंकि ऑनियन और वो सब कुछ है। अब हम थोड़ा दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट के डालने बाद हम लेंगे थोड़ा ग्रीन चिली। अब हम लेंगे थोड़ा जीरा। अब हम लेंगे हल्दी। हल्दी लेने के बाद कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडा डालने के बाद हम डालेंगे पिंक सॉल्ट। अब हम हाथों से अपन चम्मच से सब कुछ मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। अब हम थोड़ा मिक्स करेंगे। ये नहीं हो रहा तो थोड़ा 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे वापस। अब हम मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा पतला करेंगे क्योंकि ना हमार पैनकेक आपको पता है सब पैनकेक पतले से होते हैं। तो हम भी बनाएंगे कि हाफ टेबल स्पून पानी पड़ा है तो हम सब ले लेंगे।
मैंने सब खत्म कर लिया। अब हम मिक्स करेंगे। देखते पतला हो गया हमारा बैटर। थोड़ा सा और पानी ले लेंगे हम, ठीक है, और पतला हो जाए। अब अगर अब हमारा बैटर पतला हो भी गया होगा, हमें अब बहुत पतला ही नहीं करना है, बहुत मोटा ही नहीं करना है। अब हम हमारा बैटर पकाने जाएंगे, तो चलो जाते हैं। हम थोड़ा पैन गरम होने देंगे, फिर हम हमारा बैटर डालने देंगे। ये हम इसे पकने देंगे क्योंकि वो अंदर से भी पक जाए। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ा किसे हम पलटाएंगे, पल एक साइड से कितना मस्त पक गया है, अब दूसरी साइड से पकाएंगे। पैनकेक तैयार है। अगर जो आप ब्रेक लाते हो तो आगे पीछे की ब्रेक होती है उसे फेंक मत देना, ऐसे पैनकेक बना लेना। बाय, स्टे होम रीसे। अगर जो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।